तो अब वो करते हैं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रोस्टिंग एंड टाइम पास, लेट्स डू इट। अरे अवार्ड्स मेरे भाई, अवार्ड्स। वैसे हर जब से तू आया है कितनी फालतू बातें करता है ना, तेरा दिमाग खराब है ना? 93% भारतीयों का यही कहना है। भारती या भारतीय, जो समझना है समझो, क्योंकि दोनों ही फैले हुए हैं। यार ये कुछ भी तुम लोग तालियां मार रहे हो इस बात पे, ऐसा नहीं है, भारतीय पत्नी हो चुकी है ना शादी के बाद। ये बात सही है। मेरी स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जी कुटुंब की जो कहानियां हैं उसका कभी अंत नहीं हो सकता। सही कहा यार, एक अच्छी फिल्म या अच्छे सीरियल की शुरुआत एक अच्छी स्टोरी के साथ होती है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले अवार्ड के तरफ, एक्सीलेंस इन स्टोरी राइटिंग के लिए। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजश्री ठाकुर और राखी विजयन जी को। हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग अ गुड टाइम। यस ऑफ कोर्स, आपको देखो तो और मजा आ रहा है। हम पांच। थैंक यू। आप जब अंदर आई दरवाजा आप ही ने खोला था, मैं खोलूंगी। तुझे याद है? मुझे याद है। पसंद यार, सबसे कमाल का शो था। ओके, यू वांट टू गो? एक्सीलेंस इन स्टोरी राइटिंग, द अवार्ड गोज टू निकिता धोन, श्रीनीता भौमिक। ओहो, कैसे मुझे तुम मिल गए। अब वो जिनके डायरेक्शन के बिना फिल्म या सीरियल का हर पहलू डायरेक्शन लेस हो जाएगा। अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन डायरेक्शन के लिए, यूसुफ फारूक अंसारी। एक दिन मम्मी के साथ मेरे पापा रेस्टोरेंट में गए। पहले पापा ने खाना खाया, मम्मी ने बिल पे किया, फिर मम्मी ने खाना किया, पापा ने बिल पे किया। वेटर ने पूछा, इतना प्यार है तो साथ में क्यों नहीं खाया। मम्मी ने बोला, हम दोनों के पास दांतों का एक ही सेट है। ये थे टिपिकल हमारे आपके पापा मम्मी। पर एक सर्वे के हिसाब से जी कुटुंब के पापा मम्मी है वर्ल्ड के सबसे एनर्जेटिक सदस्य। यस, वरुण और रणवीर एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। जिनके पास आपकी हर समस्या के लिए एक मशवरा है, जिनका जीवन प्रैक्टिकल अनुभवों से भरा है, जिनकी नींव पर ही तना आपके कुटुंब का फोर्ट यानी दुर्ग है, वो घर का सबसे प्यारा सदस्य, घर का बुजुर्ग है। एंड बेस्ट बुजुर्ग अवार्ड के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा स्मिता जयकर जी। सो बेस्ट बुजुर्ग राइटली एप्टली गिवन टू मी टू अनाउंस दिस अवार्ड। ओके, सो द बेस्ट बुजुर्ग इज लीला बेन राजगौर। वाओ लीला बेन, ओके। फ्रॉम क्योंकि सास माँ बहु बेटी होती है। Gopi ji is not here today because she's not feeling too well, but we are very proud to accept this on her behalf. Wow. Okay. Thank you so much. हर्ष, हर बहन को अपने भाई पर कितना गर्व रहता है ना? सबको नहीं होता भाई। क्या बात कर रहा है? सच्ची? एक दिन भारती ने मुझसे कहा कि अगर रात को जंगल में एक भयानक डरावना नरभक्षी भूत मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, यार तुम दोनों भाई बहन का मिलन हो जाएगा। उसने, मैं क्या बोलूं, बस उसके बाद उसने मेरे साथ वो हरकत की कि मैं यहाँ नहीं बता सकता, Z5 में बताऊंगा, इधर सेंसर हो जाएगा। अगला अवार्ड है बेस्ट भाई बहन के लिए एंड द नॉमिनीज आर So the best bhai bhai award goes to Shaurya and Rajveer. Thank you so much. Firstly, I would like to thank ZTV and everybody from Kundli Bhagya team.
शौर्य अभी हमारे साथ इस मोमेंट पे नहीं है. शी इज टेकिंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ शौर्य, दैट्स बसीर. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड. So I would like to dedicate this award to my dad. Wow. And dad, I know you're watching me and I know that you are happy seeing this award in my hand. Thank you so much. कहानी सुनाता हूं. सुना. ये उस वक्त की बात है जब हमारे धीरज धूपर 13 की उम्र के थे. पापा ने कहा मॉल लेके सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं. अच्छा. वो भी उम्मीद लगाकर घर आए, अपने बेटे धीरज से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा बेटा? धीरज बोला, लव अ बॉय पापा. पापा एम्बैरेस्ड सवाल को घुमाकर पूछा, तू बड़ा होकर करेगा क्या? धीरज बोला, अफेयर्स पापा. पापा बोले, अरे बेटा तू बड़ा होकर हासिल क्या करेगा? धीरज बोला, गर्लफ्रेंड्स पापा. पापा बोले, गधे बड़ा होकर अपने पापा मम्मी के लिए क्या लाएगा? धीरज बोला, बहू पापा. पापा गुस्से से बोले, तेरा कोई मकसद नहीं है लाइफ में? धीरज बोला, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार पापा. पापा बोले, यही तेरी फिलॉसफी है? धीरज बोला, नहीं पापा, फिलोसॉफी तो बहुत हाई लेवल की है. ये सुनकर पापा को उम्मीद आई, क्या फिलोसॉफी है मेरे बेटे की बता? धीरज बोला, पापा मेरी फिलोसॉफी है बीवी रखना टिप टॉप, तो दो के बाद फुल स्टॉप. पापा बेहोश. 13 की उम्र से धीरज धूपर सुपर से ऊपर, कोई नहीं जो धूपर से ऊपर. धीरज के लिए तालियां. आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कहानी क्यों बताई, इसीलिए क्योंकि अगले प्रेजेंटर अंदर चाय की चुस्की ले रहे थे.